देख सकते हैं पुष्कर मेले के अंदर जो है वो ऊँटों की जो रैली है वो फर्स्ट टाइम होने वाली। देखो लाइन से ऊँट खड़े हुए। ये भैया बना रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऊँट बनाए हुए हैं। ये ऊँट है अपना रफ्तार नाम है इसका, और रफ्तार पे बैठा हुआ हूँ मैं। और ये पुष्कर मेला जो है पुष्कर मेला का शानदार नज़ारा देखो ऊपर से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज मैं आया हूँ पुष्कर, जहाँ पर पुष्कर मेले का जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। पुष्कर मेला 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा दोस्तों। आज जो है 2000 होने वाला है, और यहाँ पर जो पुष्कर मेले के अंदर पहली बार ऊँटों की रैली निकलने वाली, मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पशुपालन विभाग श्री पुष्कर पशु मेला 2024 मेला मैदान है दोस्तों, जहाँ पर पुष्कर मेले का शुभारंभ होने वाला है 2000 के साथ, और ऊँट रैली निकलने वाली है पुष्कर मेले के अंदर पहली बार। तो मैं आपको यहाँ का पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको देखो यहाँ का जो प्रोग्राम होने वाला दिखाता हूँ। बाहर का जो व्यू है कुछ इस प्रकार है, ये देखो है ना, ये जो है। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। देखो आप तो दोस्तों देख सकते हैं पुष्कर फेयर 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये जो है वो सारे प्रोग्राम इवेंट्स जो होने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेन्यू बताया हुआ है और प्रोग्राम बताया हुआ है, तो आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा, और देख सकते हैं इधर काफ़ी शानदार सा माहौल है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर का देखते हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं पुष्कर मेला जो है उसका शुभारंभ होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर जो है वो पूजा की जाएगी, और उसके बाद जो है ध्वजारोहण किया जाएगा। देखो अभी मैं आपको पूरा यहाँ का वीडियो दिखाने वाला हूँ, और इधर की तरफ देखो सारी तैयारी चल रही है, और उसके बाद यहाँ पर डांस भी होगा। पूरा शानदार सा जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो, तो वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी सारी तैयारी चल रही है, कुछ ही देर में जो स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी इधर से चलते हैं, तो यहाँ पर ध्वजारोहण होने वाला है, उसकी जो तैयारी चल रही है देखो। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नगाड़ा बैंड है, और नगाड़ा बैंड जो है अपनी शानदार सी परफॉर्मेंस कर रहा है। देखो देख सकते हैं यहाँ पर पुष्कर मेला पुष्कर फेयर 2024 वेलकम्स यू। ये भैया बना रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऊँट बनाए हुए हैं, काफ़ी शानदार जो है वो। ये भैया जो है वो कर रहे हैं देखो सारा आर्ट। देख सकते हैं पुष्कर मेले के अंदर जो है वो ऊँटों की जो रैली है वो फर्स्ट टाइम होने वाली। देखो लाइन से ऊँट खड़े हुए, वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो ऊँट खड़े हुए, लगभग 51 ऊँट है। और अभी जो इनकी रैली निकलने वाली है फर्स्ट टाइम जो पुष्कर मेले के अंदर होने वाला, तो आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, वीडियो बने रहेगा। देखो तो फ्रेंड देख सकते हैं पुष्कर मेले के अंदर जो है आज ऊँटों की रैली होने वाली है, तो यहाँ पर जो सर है उनसे बात करते हैं। सर आपका जो नाम बता दीजिए। अशोक टाक जी। तो सर आप जो पुष्कर मेले के अंदर कितने सालों से आ रहे हो?
मैं 38 इयर्स 38 इयर्स से आ रहे हो। तो जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऊँट आप डेकोरेट करते हो तो आप ही करते हो? नहीं करता हूँ। अच्छा आप ही करते हो। तो आपका ये हम देख रहे हैं ड्रेस सब पुरानी चीजें हैं। अच्छा जो मैंने तो पब्लिक को बताओ इसके बारे में कि जैसे ऊँट को बचाया जाए, काफी कम हो चुके हैं ऊँट। मैं और मारो छेल छबीलो नखराड़ो ऊँट राजा जी जी पुष्कर वाड़ो, मेरा मुख्य उद्देश्य है ऊँट बचाओ, लोक कला संस्कृति बढ़ाओ, बिल्कुल वे पर्यटन बढ़ाओ। तो सर पुष्कर मेले के अंदर जो है वो पहली बार ऊँट की रैली जो आयोजित की जा रही है ना? हाँ जी। तो मतलब लगभग कितने ऊँट होंगे इसमें? इसमें करीब 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है। तो अभी जैसे ये जो कहाँ से कहाँ तक होगी है? ये यहाँ इस भाई साहब इस स्टेडियम से लेके नया स्टेडियम जो बना है। तो सर वापस रिटर्न भी आएंगे वहीं से? रिटर्न भी आएंगे। तो देखो अभी मैं आपको जो है वो ठीक। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने आपको ऊँट दिखाया, ऊँट का डेकोरेशन देख सकते हैं कितना शानदार किया हुआ डेकोरेट हो रही है। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इनकी जो काफ़ी पुराने टाइम का जब ये कर किया करते थे स्टार्टिंग से, ये देखो। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो फ़ोटो लगे हुए हैं ना, ये देखो मोदी जी के साथ फ़ोटो लगा हुआ है। और काफ़ी शानदार जो है वो डेकोरेशन किया गया, इन्होंने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, सारा पूरा लगा हुआ है सिस्टम। ये देखो यहाँ पर ये सब लगाए हुए हैं ये, और इसको जो है वो यहाँ तक ये डेकोरेट किया हुआ है। कितना सुंदर सा जो है वो सजाया हुआ शानदार, और उनकी ड्रेस भी काफ़ी शानदार है। देखो और ये इनका ऊँट, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नारू। नारू, ये देखो इसका नाम भी बता दो एक बार। डोलू। डोलू डोलू नाम। कितने साल का है ये? 10 साल का। 10 साल का। देखो ये 10 साल का ढोलू और काफ़ी शानदार है ये, तो बढ़िया है। चलो तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पुष्कर मेला का जो है वो शुभारंभ करने के लिए 2000 राउंड होगा अभी कुछ ही देर में। देखो तो फ्रेंड देख सकते हैं पुष्कर मेले के अंदर जो है वो पूजा से विधि की शुरुआत की जाएगी, और देख सकते हैं यहाँ पर तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ही देर में जो है ध्वजारोहण होने वाला है। देखो अभी यहाँ पर जो है ध्वज लगा हुआ है, और ध्वजारोहण के बाद जो है पुष्कर मेला का शुभारंभ हो जाएगा। देखो देखो काफ़ी संख्या में जो है लोग आए हुए हैं, देखो कितनी संख्या में बोली गया यहाँ पर। देखो कुछ देर में जो है ध्वजारोहण होने वाला है। अरे भाई और भी खड़े हैं, और भी खड़े हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे भारत का जो झंडा है वो लहराता हुआ, इतना प्यारा लग रहा है। देखो अभी शानदार से नज़ारा, देखो यहाँ पर नीचे की तरफ वो इधर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ झंडा रोड के बाद जो है वो, ये देखो पुलिस बैंड की जो प्रस्तुति है।
हैं फिर ये डांस कर रहा है देखो शानदार हो रहा माहौल तगड़ा हो गया माहौल इतना शानदार है माहौल ये देखो ऊँटों को देखने में एक अलग ही मजा आता है ये देखो अभी और काफी सारे ऊँट जो आ रहे हैं धीरे धीरे ये देखो है ना ये देखो ये सजे जो ऊँट है सबको जो है वो डेकोरेशन किया हुआ है देखो शानदार ये देखो डेकोरेशन किया हुआ शानदार भी और आ रहे हैं देखो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जब अपन फर्स्ट टाइम जो है वो ऊँटों की रैली में महारैली में जो फर्स्ट टाइम हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है देखो बहुत बड़ी बात है अपने आप में अचीवमेंट है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऊँट है अपना रफ्तार नाम है इसका और रफ्तार पर बैठा हुआ हूँ मैं और ये पुष्कर मेला जो है पुष्कर मेला का शानदार नज़ारा देखो ऊपर से ओ भाई साहब ये वाला जो ऊँट है ना खतरनाक है यार ये देखो फुल एंजॉय कर रहे हैं और ज़बरदस्त हो रहा है मामला नीचे का देखो पूरा मेला लगा हुआ है इधर चारों तरफ ये चलो आपको जो है आगे भी ले चलते हैं अभी पुराना मेला मैदान से जो है नया मेला मैदान की तरफ जा रहे हैं और रफ्तार काफ़ी शानदार ही है नाम है।